सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल महोदय मंगला गौरी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें अपना कीमती समय देकर आप लोगों को इसमें फायर की मॉक ड्रिल करने के बारे आग्रह किया गया था, इन्होंने अपना समय दिया, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन तो आपको प्रिंसिपल महोदय ने दे दी। मैं सूरज भारद्वाज, फायर इंचार्ज फायर पोस्ट पत्रिकुंड। आज हम आप लोगों को फायर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे कि आग कैसे लगती है, क्यों लगती है, उसको कैसे बुझाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम आप उसमें डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्या करते हैं, और आपको इसके बाद ही उसे दिखाएंगे कि कैसे इसको बुझाया जाता है। सभी प्रकार की आग उनके प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसको इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये महंगा होने के कारण ज़्यादातर इसको जैसे बिजली की आग हो गई, कंप्यूटर वगैरह, इन चीज़ों पे प्रयोग किया जाता है। ये ना प्रयोग करने के बाद इसका ना अपना कोई वो दिखाता नहीं, जैसे DCB वगैरह फेंकेंगे इससे वहाँ पर धूल जमेगी, पानी फेंकेंगे, चीज़ें खराब हो जाएगी, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे कोई भी चीज़ जो खराब नहीं होगी। चलाने का तरीका इसका ए हॉर, इसको कहते हैं हॉर्न, ठीक है। इसको आग की तरफ पॉइंट करके पकड़ना है, यहाँ से इसको इसके लिए ना हैंडल दिया होता है, ठीक है। चलो तो यूज करके बताएंगे आपको। एंटी क्लॉक घुमाना है, इसमें भी पिन लगी होती है, पिन को निकाल दिया और एंटी क्लॉक घुमाया, इसको आगे नजदीक से नजदीक ले जाना है, तभी बुझेगी क्योंकि इसमें ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। चोट लगी हुई है तो इसको कैसे फिर यहाँ से ना कमर से इसको सहारा देना है। हाँ, देखते रहो कैसे उठाना है, कमर में सहारा दे के बस इस तरह, एक पांव दोनों बाहर का चलेगा, फिर अंदर का चलेगा, हाँ समझते। इसी तरह जो है इसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से पहुंचा सकते हैं। जोर देना और उठाना ताकि घूमने में इसके उठाने वाला जो है वो उठाएगा, ये मतलब आपका दूर तक जो ले जा सकते हैं। उसके बाद आ गया टू हैंड शीट। घरों में भी कई बार कढ़ाई में भी आग लग जाती, देखा होगा आप लोगों ने घर में, आपके घरों में भी हुआ होगा। अब देखो इसको कैसे बुझाना है, नजदीक से नजदीक जाके एकदम बुझ जाएगी, बस जोर से मारना है, बंद कर देना है। आग